बैठक जयपुर में शुरू हो चुकी है। सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। इसके अलावा मंत्री सुरेश रावत, अविनाश गहलोत, राज्यवर्धन सिंह राठौर, महंत बालकनाथ भी बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कल से विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इसी के मद्देनजर की विधायकों की बीजेपी की टीम की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर मंथन के लिए, चर्चा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा यह जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से अपनी बातों को रखा जाएगा। आपको बता दें कि आज साफ तौर पर इससे पहले कैबिनेट की बैठक भी हुई, सर्वदलीय मीटिंग को लेकर भी चर्चा हुई और वहीं ये खास बैठक, ये मीटिंग जिसमें बीजेपी ऑफिस में तमाम बीजेपी के विधायक पहुंचे हैं। कल होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, किस तरह से विपक्ष का मुकाबला करना है, सरकार के कामकाज को, सरकार के पक्ष को सड़क से लेकर सदन के अंदर कैसे जवाब देना है, इन तमाम मसलों पर गहन चर्चा इस बैठक में की जाएगी। बाबूलाल धायल हमारे जयपुर से संवाददाता, आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। तो बाबूलाल, साफ तौर पर आज की यह बैठक, आज की यह मीटिंग, कल होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर कैसे रणनीति तैयार की जाए, कांग्रेस की जो तैयारी है, जो हमले हैं उनसे कैसे और फिर से काउंटर अटैक किया जाए, उसी को लेकर है। सभी विधायक 115 पहुंच गए। कार्य के चलते नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन बैठक में जो विधायक पहुंचे उनके चेहरे पर आज मुस्कान नजर आ रही, क्योंकि मंत्रिमंडल आज ये पहली जो है विधायक दल की बैठक है और पहली कैबिनेट की बैठक भी आज ही हुई, तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने के मकसद से आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अपोजिशन की ओर से भी कि तारीखों पे तारीख जाती है तब कहीं जाकर बीजेपी में फैसले होते हैं और दिल्ली से जो है जो पर्ची आती है उसके आधार पर बीजेपी फैसले करती है, लेकिन अब बीजेपी काम कर, क्योंकि कल जो है सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का, तो किस तरह से आक्रामक विपक्ष का करारा जवाब देना सत्ता पक्ष को, तो उस पर चर्चा इस वक्त हो रही है। मुख्य सचेतक जो है जोगेश्वर गर्ग वो भी इसमें है, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक का हिस्सा है और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस बैठक में मौजूद है, साथ ही गया, लेकिन फिलहाल उनके से कोई आया नहीं है इसलिए वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो आज जिस तरह के फैसले लिए गए इससे बीजेपी के विधायकों में एक जोश का संचार हुआ है और उन्हें लगता है कि वो किसी भी सूरत में कम नहीं है, तो विपक्ष के हर हमले का जवाब देने के लिए उनके पास में बोलने के लिए सब चीजें हैं, इसलिए वो बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं आएंगे, फ्रंट फुट पर खेलेंगे और किसी भी तरह से हावी नहीं होने देंगे अपोजिशन को। अपोजिशन की अपनी तैयारियां हैं, क्योंकि कल जब राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा तो सरकार अपना विजन पेश करेगी एक तरह से, और उसमें राजस्थान की तरक्की के लिए किस तरह का रोड मैप है उसकी झलक दिखाई पड़ेगी, तो उस दौरान शांति बनी रहे और सब लोग सुकून के साथ में राज्यपाल को सुने, तो उस दौरान अगर कहीं डिस्टर्बेंस की नौबत आती है तो किस तरह से जो है सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो अपोज करें, विरोध करें, तो वो चीजें भी उन पर भी डिस्कशन होगा। लेकिन जिस तरह के आज कैबिनेट में फैसले हुए हैं उनको लेकर के अब बीजेपी के विधायकों को लगता है कि सरकार बिल्कुल काम की गति जो है अब पकड़ेगी और किसी भी तरह से पीछे अब मुड़ने का वक्त नहीं रह गया है। तो तमाम जो मंत्री हैं जी बाबूलाल, उनके चेहरों पर भी मुस्कान थी और उनको लग रहा था कि जी, तो एक तरह से जब 6 महीने का रिव्यू के लिए ऐलान कर दिया है कि गहलोत सरकार के कार्यकाल का जो आखिरी दौर था, आखिर के जो 6 महीने थे उनमें जो फैसले लिए गए हैं तो उनका अब रिव्यू किया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी जो 3 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी मुख्यमंत्री भजनलाल को, और उस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस पर जो है अपोजिशन अपनी आपत्ति जरूर दर्ज कराएगा और इस पर हो सकता है कि शोर शराबे की और हंगामे की नौबत भी आए विधानसभा में सत्र के दौरान। इसके अलावा बहुत सारी जो चीजें हैं, DRI और मीसा बंदियों को वजीफे का ऐलान कर दिया है, उनकी जो रुकी हुई पेंशन है वो बहाल कर दी गई है, तो उस पर भी जरूर सदन के अंदर हंगामा बरपेगा, तो उसको लेकर के भी काफी कुछ जो चीजें हैं वो तैयारी
करनी पड़ेगी, तो उसी पर आज इस वक्त चर्चा हो रही है। और आरएस मेंस का बड़ा मुद्दा था, युवाओं में खासी नाराजगी। मैं उसी पर आ रहा था, आप अपने जवाब को विस्तार दीजिएगा, लेकिन पहले एक सवाल, चूंकि आपत्ति की बात की, एक आपत्ति आरएलपी से एकमात्र विधायक हनुमान बेनीवाल ने भी कल उठाई। उन्होंने कहा कि ना तो हम सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेंगे और आरपीएससी भंग करने को लेकर हम सदन में अपनी मांगों को रखेंगे, लेकिन क्या कहा जाए कि उनके हमलों की धार कुंद आज कर दी गई है। एक तीर से दो निशाने चलाते हुए आपने बेरोजगारों को और आरपीएससी अभ्यर्थियों को संदेश दे दिया कि सरकार आपके साथ है, आपकी बात मानेगी। और दूसरी तरफ एक्सक्लूसिव बातचीत अब जब किरोड़ी लाल मीणा से धरना स्थल पर लवली वधवा हमारे संवाददाता ने की और सवाल पूछा था कि भाई आरपीएससी भंग करने की मांग हो रही है, तो उन्होंने कह दिया कि ये तो संवैधानिक संविधान में है ही नहीं, भंग हम कर ही नहीं सकते। जी बिल्कुल नहीं कर सकते। आरपीएससी के एक सदस्य बाबूलाल कटारा का मामला तो सबके सामने है, उनको अभी तक जो है हटाने में बहुत जोर आता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास में जाती है सारी चीज़ें, वो जब दस्तखत करते हैं तब जाकर कहीं आरपीएससी का जो सदस्य होता है वो बर्खास्त होता है, तो बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो संवैधानिक संस्थाओं को बनाने में बहुत वक्त लगता है और उनकी जो मर्यादा होती है, गरिमा होती है, और उनके लिए जो बहुत सारे कानून पास करके ऐसी संस्थाएं खड़ी करी जाती है, तो बहुत आसान नहीं होता कहने में। वो तो सचिन पायलट ने भी ऐसे इश्यू उठाए थे, लेकिन आज मास्टर्स को खेल दिया साथ में। तो युवाओं, जी बिल्कुल, क्योंकि उनको पता था, बीजेपी को पता था कि कल जो है सदन में हंगामा बरप सकता है, और क्योंकि बीजेपी के ही विधायक आज जो है कल अपोजिशन में थे, विपक्ष में थे, तब यही जाकर के और इन अभ्यर्थियों के बीच में अपनी बात को रख रहे थे, वादे कर रहे थे, तो सरकार बैकफुट पर तो आ रही थी, लेकिन डिसीजन लेने में देरी थोड़ी हुई है, लेकिन अभ्यर्थियों को लगता है कि पर्याप्त समय उनको दे दिया गया है और अब जो है वो सरकार को आज ही जो है थैंक यू बोल करके जयपुर से निकले, जो यहाँ पर रहते हैं तैयारी करते हैं, तो उनको मुकम्मल वक्त मिल जाएगा, अच्छा वक्त मिल जाएगा और वो ठीक से अपनी तैयारी कर पाएंगे। हमारे साथ में इस वक्त थोड़े से लेट हो गए, कल की क्या तैयारी है साहब? अच्छी तैयारी बताएंगे। तो ये थे पोकरण के विधायक जो बहुत देरी से पहुंचे हैं, और जी इनसे जो है हाँ प्रतापपुरी देरी से पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं और विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, तो हो सकता है इतनी दूर से आने में उनको देरी हुई होगी। इसके साथ ही जो DRI और मीसाबंदी है, ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि 1975 में जो लोग जेल गए, जब जब भी बीजेपी की सरकारें आती हैं इनको पेंशन दी जाती है, और जैसे कांग्रेस सरकार आती है बंद कर दी जाती है, तो अब जो है इनको स्थायी रूप से आजीवन, जब तक ये लोग जिएंगे तब तक इनको पेंशन मिले और इनका जो इनको चिकित्सा जो सेवाएं हैं वो इनको मिलती रहे, इसे देखते हुए विधानसभा में बिल लाने की भी तैयारी है। और इसके लिए आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ये भी कहा कि हम लोग स्थायी तौर पर इन लोगों के साथ में इनको यानी कि फायदा देने की कोशिश करेंगे, ताकि हर पांचवें साल में ये जो कानून को रद्द कर देते हैं या पेंशन रोक देते हैं, ये वाली जो परिपाटी है, परंपरा है, इसको रोक, इस पर विराम लगना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस बीच में जो रिव्यू होगा उस पर तो हंगामा जरूर बरपेगा, जब सरकार पुरानी सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े किए जाएंगे और उसी के आधार पर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाएगी कि इतनी अनियमितताएं हुई, इतनी गड़बड़ियां की गई और इस तरह से सरकार को चपत लगाई गई, सरकार को इतना घाटा पहुंचाया गया। तो अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर सत्ता पक्ष और विपक्षी जो रिश्ते हैं विधानसभा में कोई सामान्य नहीं रहने वाले हैं। लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण, सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा जिस पर सबकी निगाहें टिकी है, किस तरह से सरकार अपना विजन पेश करने वाली है, और आज की जो बैठक है इस वक्त बीजेपी के विधायक दल की, उसमें क्या बातें होती हैं उस पर भी निगाहें सबकी टिकी। नजर बनाकर रखें पूरी तरह से, और जैसा बदली हुई बीजेपी में, ना तो बैठक होने से पहले और ना ही बैठक होने के बाद खुलकर कुछ कहा जाता है, वैसे हमें भरोसा है आप पर कि आप अंदर होने वाली तमाम बातों को निकालकर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बाबूलाल धायल बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन साथ ही साथ कुछ बयान प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी आपको सुनाते हैं, चूंकि कल का दिन अहम है और कल की तैयारी को लेकर आज ये बड़ी बैठक हो रही है। हमारे संवाददाता सहयोगी बाबूलाल धायल लगातार नजर बनाए हुए हैं, अपडेट जो आएगी वो आपको बताएंगे, लेकिन जो बयान सामने है वो बताते हैं, आपको दिखाते हैं। विपक्ष जितना हमलावर होगा उतने ही जोश से हम सरकार की योजनाओं का जवाब हाउस में लेंगे। हमलावर होना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव हमला करेंगे
तो जनता का भला नहीं होगा। आज बीजेपी मुख्यालय में फिर नारे लगे बार राजस्थान का एकीलाल किरोड़ी लाल तो लगाते रहते हैं बच्चे। चेंज भी किया एक दो तीन चार बाबा तेरी जय जयकार। मैं उनको चुप करके आया हूँ। आपने इन बच्चों की बात उठाई थी और सरकार तक पहुंचाई और आज इनके हक में फैसला भी हुआ, इसलिए कि इनमें 30-35% छात्र इतने थे जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया था, वो अपनी तैयारी नहीं कर पाए थे, तो इनकी समस्या को मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल के साथियों ने वाजिब समझा, तो अब जून जुलाई में जाकर परीक्षा कंडक्ट कराएगी आरपीएससी। साथ में हमने ये भी कर दिया कि रोज रोज मांग नहीं उठे पोस्टपोन परीक्षा पोस्टपोन कराने की, इसलिए आरपीएससी वैसे ही कैलेंडर जारी करे जैसे यूपीएससी करती है, ये आरपीएससी को कहा जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि जैसे पिछले सदन में इन्होंने परिपाटी डाली थी, कई हंगामे हुए, हम चाहते हैं सदन चले लेकिन कुछ ऐसा अगर होगा तो हम हंगामा करेंगे। हंगामा करने से कोई हल नहीं निकलेगा, बात तथ्यात्मक रखी जाए, सरकार सुनेगी और उनका जो भी उनके मुद्दे हैं उनका जवाब देगी। सरकार जो है इनसे आक्रामक होने से डरने वाली नहीं है।